खबर आंध्र प्रदेश से है, जहां एक शख्स ने एक मंदिर में 100 करोड़ रुपए का दान दिया है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, उन्होंने 100 करोड़ रुपए का चेक दिया था और अब उस शख्स के बारे में काफ़ी चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पे लोग उन्हें तलाश रहे हैं, उन्हें ढूंढ रहे हैं और यहां तक के पुलिस प्रशासन भी अब उन्हें ढूंढना शुरू कर चुकी है। आइए हम आपको पूरा मामला समझाते हैं। मामला आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम की है, जहां सिंघाचल पहाड़ी के पास एक मंदिर है, जिस मंदिर का नाम वृह लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर है। वहां की जो प्रशासन है, जो मंदिर प्रबंधन की जो टीम है, वो जब दान पेटी को खोल रही थी, उसके अंदर से 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50, 100, 500 रुपये के अलग अलग पैसे मिल रहे थे निकले और पैसों की गिनती हो रही थी। लेकिन उस गिनती के बीच में एक कागज़ का टुकड़ा भी नज़र आया। वो लोग सोचने लगे कि आखिर ये क्या है। जब उन्होंने कागज़ के टुकड़ों के गौर से देखा उस टुकड़े को, तो पता चला ये कागज़ नहीं है बल्कि ये एक चेक है। जी हाँ, वो चेक था 100 करोड़ रुपये का, जो कि इस मंदिर के लिए दान दिया गया था। 100 करोड़ रुपया अमाउंट देख करके जो उस प्रबंधन कह सकते हैं, वो जो टीम थी वहाँ मंदिर प्रशासन की जो टीम थी, उसने जब देखा तो वो चौंक उठे कि आखिर कैसे 100 करोड़ रुपया किसी ने दिया है। खैर, उन्होंने अपना सोचना शुरू किया कि चलो अच्छी बात है, अगर किसी ने 100 करोड़ रुपये दिए हैं, मंदिर का भी कल्याण हो जाएगा और कह सकते हैं कि मंदिर के आसपास में अगर कोई ज़रूरतमंद लोग होंगे तो उसका भी कल्याण हो जाएगा। अभी ये लोग अपने दिमाग में ये बात सोच ही रहे थे कि उस टीम के कुछ लोगों ने फैसला लिया कि चला जाए बैंक और बैंक से जा कर के पैसा विड्रॉ करवा लिया जाए। विड्रॉ करवाने के लिए ये लोग बैंक पहुँचे। बैंक का नाम जो है वो कोटक महिंद्रा बैंक है। ये लोग कोटक महिंद्रा बैंक पहुंचते हैं और कोटक महिंद्रा बैंक में पहुंचने के बाद जब वहां के अधिकारी को ये अपना कहते हैं चेक देते हैं, तो जब अधिकारी उस चेक को चेक करते हैं, उसके बाद उनका दिमाग हिल जाता है। वो चौंक उठते हैं और वो कहते हैं ये चेक आपको कहां से मिला है। फिर ये जो मंदिर प्रबंधन की जो टीम है, वो जो लोग हैं, उन्होंने सारी बातें बताई। उसके बाद जो अधिकारी ने बात बताई और सुनाई, उसके बाद लोगों का दिमाग हिल गया। असल बात ये थी कि जिन्होंने 100 करोड़ रुपए का चेक दिया था, उनके अकाउंट में सिर्फ 17 रुपया था। अब सोच सकते हैं कि किसी इंसान के पास सिर्फ 17 रुपया हो और उसने एक मंदिर को 100 करोड़ रुपये का चेक दे दिया है दान देने के लिए, तो उन्होंने भगवान के साथ ही फ्रॉडिज्म किया है। ऐसा लोग कह रहे हैं, लोगों का ये कहना है कि एक ऐसा इंसान जिसने भगवान के साथ ही फ्रॉड कर लिया है। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि वो शख्स कौन है। चेक के ऊपर एक नाम लिखा हुआ है और नाम जिस शख्स का लिखा हुआ है, उनका नाम है बुड्डेपल्ली राधाकृष्णन, बी राधाकृष्णन नाम के एक शख्स हैं। इन्होंने ये चेक काटा था, हालांकि उन्होंने डेट नहीं लिखा था। हो सकता है कि 10, 15, 20 दिनों के बाद 100 करोड़ रुपए आ जाते, या ये भी हो सकता है कि उन्होंने ये सोच करके चेक दिया होगा कि अगर भगवान की राह में 100 करोड़ रुपए का चेक दे रहे हैं तो भगवान कहीं से 150 करोड़ रुपया दे देंगे। लेकिन ना वो 150 करोड़ रुपया आया, ना ही उन्होंने अकाउंट में पैसे डाले और ना ही भगवान की राह में वो 100 करोड़ रुपया खर्च हुआ। इन तमाम मामलों के बाद जब ये बातें वायरल होने लगी सोशल मीडिया पे, तो लोगों ने तरह तरह की बातें लिखनी शुरू कर दी है। लोग जो है ट्विटर पर और फेसबुक पर कह सकते हैं मीम बना रहे हैं और अलग अलग बातें लिख रहे हैं। हम आपको बताते हैं जैसे कुछ लोगों ने क्या कुछ लिखा है। एक शख्स ने लिखा है, जिनका नाम गुजारिश करके है, वो ट्विटर पर लिखते हैं कि इंसान की नीयत देखो, अकाउंट में बैलेंस नहीं। ये भी बात सही है कि उन्होंने 100 करोड़ रुपये का नियत किया था, लेकिन 100 करोड़ रुपये थे नहीं। खैर, उन्होंने नियत तो की और इसी वजह से उन्होंने चेक दिया है, लेकिन ये क्या सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है। आप सोच सकते हैं ये कितना बड़ा फ्रॉडिज्म है। ऐसा महसूस हो रहा है कि किसी ने आपसे कहा हो कि आपको 15 लाख रुपया मिलेगा और आपको नहीं मिला। नहीं मिलने के बाद जो दुख होता है, आप सोच सकते हैं। ऐसे ही किसी ने 100 करोड़ रुपये की बात कही, आपको 100 करोड़ रुपया नहीं मिला, पता चला कि 17 ही रुपया उनके अकाउंट में है। अब जो मंदिर प्रशासन की टीम है, वो लगातार जो बैंक कर्मी हैं, उनसे मिलजुल करके उस इंसान के बारे में पता कर रही है कि वो कहाँ का रहने वाला है, कौन है। अगर उसने वाकई मंदिर प्रशासन के साथ फ्रॉडिज्म किया है, तो उसके ऊपर हो सकता है कि ये जो चेक उसने दिया है, वो चेक बाउंस करने का आरोप लगा करके उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है। आपको बता दें कि और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें लिखा है। किसी ने लिखा है कि ही हैज़ अ बिग हर्ट बट हिज़ अकाउंट कुड नॉट सपोर्ट हिज हर्ट।
तो कुछ लोग ये लिख रहे हैं कि दिल बड़ा है लेकिन जो बैंक का जो पैसा है, उनका अकाउंट का जो पैसा है, वो उनके दिल को सपोर्ट नहीं कर रहा है। एक साहब लिखते हैं, शंकर ये राज किसी को मत बताना। ये सुहानी तिवारी लिखती है। और भी बहुत सारे लोग अलग अलग बातें लिख रहे हैं। एक लिख रहे हैं, श्राद्धालु जस्ट लाइक भगवान, मुझे देगा तो मैं तुमको दूंगा। लेकिन भगवान ने दिया नहीं तो इन्होंने भी वापस नहीं दिया। एक साहब लिखते हैं कुमार सानू कि दरअसल वो भगवान से 100 करोड़ मांग रहा होगा, किसी और के अकाउंट में ट्रांसफ़र ना हो जाए इसलिए चेक काट करके दे दिया है। तो ये तमाम बातें लोग लिख रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जिसने 100 करोड़ रुपये का चेक दिया था उसके अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ 17 रुपये थे। आपको क्या लगता है कि जिस शख्स ने ये काम किया है आखिर उसने ऐसा क्यों किया होगा?